लोगों में से 50% लोगों को आर्मी में रिटेन किया जाएगा, ये श्योरिटी है। जैसे कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि अग्निवीर स्कीम में 50% का ऑर्डर्स कहाँ है, बदलाव कब होगा। देखिए यहाँ पर आपने क्लियरली सुन लिया होगा, आर्मी ऑफिशियल ने, आर्मी ऑफिसर के बड़े बड़े ऑफिसर्स इसको कवर कर रहे हैं कि आपकी 50% परमानेंट ईयर कंफर्म है। ठीक है, जो भी अभी भर्ती देने जा रहा है, ऐसे बहुत ज़्यादा कैंडिडेट है जो कि अभी झिझक रहे हैं कि हम अग्निवीर में जाए या ना जाए। देखिए आप अकेले सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते, ना कि आपके जो अग्निवीर स्कीम है ये 2029-28 से पहले, इलेक्शन से पहले ये कहीं भी नहीं परमानेंट हो रहा है, तो ये अपनी क्लियर माइंडसेट में बैठा लीजिए। दूसरी मैं आपको चीज़ें यहाँ पर बताना चाहूँगा, अगर एक बार आपकी एज निकल गया यानी आप 21 से क्रॉस कर गए और आप अग्निवीर की वजह से आपने कोई भी एग्जाम अटेम्प्ट नहीं किए, और बाकी अगर आपकी टारगेट अलग चीज़ें लाइक MTS है, SSC, GDE, देन गो, आप जाइए वहाँ पर, बढ़िया से तैयारी करिए और वहाँ पर फिक्स करिए अपनी नौकरी। ठीक है, क्योंकि आज की डेट में सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल है। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अग्निवीर मेरे गांव में भी, मैं कल आया था, छुट्टी आया था तो बहुत लोगों से बात कर रहा था, वो भी अग्निवीर में जाने की झिझक रहे, लेकिन उनकी मन तो है आर्मी में जाने के लिए, लेकिन इस परसेंटेज को लेकर उनके मन में कहीं ना कहीं एक अनसिक्योरनेस, अनसेफ नज़र आ रहा है। और बाकी मैं उनको बोला कि क्या आप SSC GDE में सीट ले सकते हो, इतने बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, आज के डेट में सिर्फ 40,000 पोस्ट है, और उस हिसाब से अगर आप लगता है कि आप उसमें पोस्ट ले सकते हैं, आपको बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए SSC GDE, अग्निवीर में नहीं आना चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको लगता है कि हम बाकी नौकरी में फिट नहीं है और सिलेक्शन नहीं हो सकता, यहाँ पर थोड़ा सा अग्निवीर GDE में ज़्यादा पोस्ट है आपके लिए, हर साल कहीं ना कहीं 50,000 1,00,000 की पोस्ट यहाँ पर निकलने वाले, आगे जाके और बढ़ेगा, पोस्ट बढ़ेगा। तो यहाँ पर उनको मैंने थोड़ी सी मोटिवेट किया कि आप ये मत सोचिए कि 25%, देखिए ये जो वीडियो मैंने पहले इसलिए चलाया कि ताकि आप बात पे भरोसा करें, 50% जो न्यूज़ है आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से इसके अप्रूवल अभी तक नहीं हुआ, पेंडिंग है, इस पर विचार चल रहा है। सेना ने अपना ये बिल्कुल आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स क्लियर कर दिया है कि 50% हम रखेंगे, उससे नीचे काम नहीं चलेगा। ठीक है, जो उनकी जो था कि 25% ही रखेंगे, 75 आउट करेंगे, तो यहाँ पर सेना ने जो फीडबैक उनको दिया कि 50-50 करेंगे, 50 को आउट करेंगे और 50% रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप श्योर हो जाइए कि आपके जो 2026 में पहला बैच निकलेगा, 2026 की मैं बात कर रहा हूँ, पहला बैच 2026 में निकलेगा, तो उस टाइम 50% को यहाँ पर एब्जॉर्व किया जाएगा और 50% को वहाँ से आउट किया जाएगा, यानी 50% यहाँ पर रहेगा। अगर 1,00,000 अग्निवीर वहाँ पर 2026 में आउट हो रहे, पहले तो सबको आउट किया जाएगा, 1,00,000 को 1,00,000 को आउट किया जाएगा, उसमें से पहले पूछेंगे कि ऐसे कौन से अग्निवीर है जो यहाँ पर आप सर्व करना चाहते हैं, वहाँ पर पहले तो सभी को आउट कर दिया जाएगा, मेरिट बनेगा, 4 साल के बाद पूरे आउट, जितने भी यूनिट्स हैं उनके बैच है 2026 में पूरे आउट। आउट होने के बाद फिर उनसे पूछा जाएगा ऐसा कौन सी लोग है यहाँ पर वॉलेंटरी सेना में आगे सर्विस करना चाहते हैं, यहाँ पर ये इसलिए पूछा जाएगा। कल आप जब जाओगे ना, परमानेंट हो जाओगे आप, आपको वहाँ पर अभी तो अग्निवीर में आप 8-10-12 घंटे ड्यूटी कर रहे हो, जब परमानेंट हो जाओगे वहाँ पर हर एक चीज़ें काम करना पड़ेगा, आपकी प्रमोशंस आएंगे, आप NCO रैंक में जाएंगे, JCO रैंक में जाएंगे, आपकी जवाबदारी बढ़ेगा, बढ़ने के बाद आपको हर एक काम करना पड़ेगा, आपको वहाँ पर 18 से लेकर 20 घंटे की काम करना होगा। अगर आपने अग्निवीर हो आपको पता होगा इतने काम चलता ही है सेना में, आपको 4-5 घंटे की रेस्ट मिलता है, और ये हर एक यूनिट्स में यही हालत है। तो यहाँ पर जो आपकी काम है, आपको वहाँ पर ये नहीं बोलोगे कि मैं इतना काम नहीं करूँगा, उतना काम नहीं करूँगा, इसीलिए आपसे वॉलेंटरी पूछा जाएगा, आप लिख के दोगे कि हाँ मैं सेना में वॉलेंटरी काम करना चाहता हूँ और सेना जो मुझे काम कराएगा मैं वो करूँगा। करने के बाद आपकी एप्लीकेशन इकट्ठा किया जाएगा, उसके बाद जैसे हमने 50,000 सोल्जर्स रखने हैं 1,00,000 में से, उसमें अगर 50,000 एप्लीकेशन आए तकरीबन, तो 50 के 50 वहाँ पर सिलेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि उनको भी स्ट्रेंथ चाहिए, तो वहाँ पर तो आपकी 100% सिलेक्शन हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए 1,00,000 में से 1,00,000 तो कभी नहीं बोलेंगे, ये ध्यान रखिए, मेरे पर्सनल 13 ईयर्स के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि 100 में से 100, 1,00,000 से 1,00,000 अग्निवीर वॉलेंटरी फॉर्म नहीं भरेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो छोड़ के जाना चाहेंगे, क्योंकि सेना का जॉब इतना आसान नहीं है, 18-20 घंटे की काम करना और फिर इतने आवर्स तक काम करना, हेडेक लेना और ऐसे कंडीशंस पे काम करना सबकी बस की बात नहीं है। अभी आप बोलोगे सर जो परमानेंट भर्ती हो रहे थे पहले वो कैसे करते थे, देखिए उनकी माइंडसेट अलग था, उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं था कि वो मतलब 4 साल के बाद चले जाएंगे, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी था 15 से 17 साल करेंगे फिर पेंशन लेकर आउट हो जाएंगे। और देखिए आप 15 साल के बाद कितने लोग ऐसे हैं जो फॉर्म डाल रहे हैं और जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस हिसाब से 4 साल का फ्लेक्सिबिलिटी उनके पास नहीं था, अभी उनको फ्लेक्सिबिलिटी दे दिया कि 4 साल में आप जा सकते हैं। तो मान के चलिए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एंड 100% श्योर कि 80%
मतलब 20% लोग वहाँ पर वॉलेंटरी भरेंगे नहीं, 20 से लेकर 30% मान लीजिए आपकी भरेंगे नहीं, मतलब 30,000 ऐसे कैंडिडेट होंगे जो फॉर्म भरेंगे ही नहीं वॉलेंटरी, वो सीधा अपने 10 लाख 11 लाख जो भी मिलेगा उसको पकड़ेंगे और चले जाएंगे। आपको लग रहा होगा मैं झूठ बोल रहा हूँ या फिर ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको ये एश्योर करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ें एक्सपीरियंस किया है और एक्सपीरियंस के दौरान बोल रहा हूँ। आपकी सीट में मतलब कि 1 लाख में 1 लाख रहे या 50,000 रहे मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन क्योंकि मेरा पोस्ट तो फिक्स है और मेरा जो सर्विस है वो तो ऑलरेडी फिक्स है, ठीक है, आपको मैं रियलिटी बता रहा हूँ। तो 30% तो ऐसे होंगे जो करेंगे नहीं भाई, अपना एप्लीकेशन लिखेंगे नहीं, 4 साल के बाद सैल्यूट करेंगे और चल देंगे सेना से, बाहर जाके अपनी सिविल में वो जो करना चाहते हैं वो करेंगे, ठीक है। बच गए 70%, ठीक है, 70% से यहाँ पर 50% की फाइट होगा जिसमें सिर्फ 20% ही आउट होंगे, ठीक है। वो 20% में आपको थोड़ा सा कंपटीशन करना पड़ेगा, जैसे जैसे आपकी फिजिकल वेपन ट्रेनिंग, ड्रिल ट्रेनिंग, डिसिप्लिन, ये सारे चीज़ अगर आपके अच्छे होंगे वहाँ पर आपकी मेरिट बनेगा, और मेरिट बनने के बाद 70 में से 50 रखे जाएंगे और 20 को भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपकी सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है, आप अग्निवीर को लेकर ज़्यादा डीमोटिवेट मत होइए कि आपकी सिलेक्शन नहीं होगा, इसकी वजह से आप एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे, बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको सर्वाइव करने के लिए आज की डेट में रियलिटी बता रहा हूँ पैसे चाहिए, पैसे के बिना आजकल कुछ नहीं है, ठीक है। हर एक सोल्जर्स को, ऐसे कौन से सोल्जर्स है जिनको आप बोल दीजिए कि आप 15 साल की सर्व करोगे, देश की सेवा करोगे, आप महीने में आपको 5,000 रुपये मिलेगा आपके पर्सनल खर्चे के लिए, ऐसे कितने सोल्जर्स है जो काम करेंगे, शायद ही कोई एक आधा होंगे, ठीक है, क्योंकि सबकी परिवार है, सबकी फैमिली है, सबकी एक पर्सनल लाइफ है, और उस पर्सनल लाइफ को जीने के लिए, आज के समाज में जीने के लिए, एक स्टैंडर्ड, एक रेस्पेक्टली जीने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ पैसा आपको चाहिए, जो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अच्छा पैकेज में पे करते हैं। हालांकि अग्निवीर में कम है, जो 30,000 देता है दैट इज़ नॉट एनफ, क्योंकि उसी कंडीशन में सेम सोल्जर्स को वहाँ पर 45,000 से लेकर 50,000 मिलता है, जो कि काफ़ी रॉन्ग है। हमें ऐसे डिफरेंस क्रिएट नहीं करना चाहिए एक अग्निवीर सोल्जर्स में, एक परमानेंट सोल्जर्स में, चाहिए हम दोनों स्कीम की तरह भर्ती करा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली उनकी जो सैलरी स्ट्रक्चर होना चाहिए वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, ताकि उनको डिफरेंस क्रिएट ना हो कि एससी एसटी कैंडिडेट की तरह कि मैं एससी हूँ, एसटी है, वो जनरल है, वो ओबीसी है, ठीक है। अगर इनको भी स्टार्टिंग 48 मिल रहा है तो उनको भी 48 मिल रहा है, अगर इनको भी हर साल बेसिक पे में इंक्रीमेंट डीए मिल रहा है तो उनको भी एटलीस्ट 4 साल तक वो मिले, ताकि वो चीज़ें फील ना हो, जब भी बंदा वो गन्स पकड़े फायर करे तो उसको फील ना हो कि मैं अग्निवीर फायर कर रहा हूँ, उसको भी सेम स्टैंडर्ड की, क्योंकि देखो गाँव में ये तो नहीं देखेंगे ना तुम अग्निवीर हो या फिर ये पामा है, सब एक्सपेक्टेशन सभी के सेम ही रहता है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो गवर्नमेंट की स्कीम है इसमें जो सैलरी का लेके है, मैं इसके खिलाफ हूँ, और ये सैलरी को डिफरेंस नहीं होना चाहिए, सैलरी एटलीस्ट उनको बराबर रखना चाहिए और 4 साल तक जो भी इंक्रीमेंट है उनको दिया देना चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना यही चाह रहा था कि आप डीमोटिवेट मत होइए, अगर आप बाकी एग्जाम्स में लगते हैं आपको नहीं होगा, अग्निवीर में आपके हो जाएगा, सीटें काफ़ी अच्छे हैं, तो आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। 4 साल के बाद क्या होगा ये आपको 4 मिनट का पता नहीं, 4 सेकंड का भी पता नहीं, अगले 4 सेकंड में आप वीडियो देखने के बाद क्या करोगे, या फिर मैं इस वीडियो को अपलोड करने के बाद क्या करूँगा, मेरे साथ क्या होगा 4 मिनट के बाद। तो इसलिए आप इसमें पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल इसमें अप्लाई करिए, और कहीं ना कहीं 50% तो कन्फर्म है, आगे जाके क्या पता ये बढ़ भी सकता है, इसलिए डीमोटिवेट मत होइए, इसमें पक्का अप्लाई करिए। आपकी क्या राय है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जय हिंद।